हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो भाई? तो मैं जा रहा हूँ अभी देवता पर अपने, हमारे गांव के एक देवता हैं और उनको बोलते हैं जाल वाले बाबा। जाल वाले बाबा, तो उनका भंडारा है आज जो साल में एक बार होता है, तो एक बार सभी बच्चे लिख देना जाल वाले बाबा की जय। तो भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ दिया जलाने के लिए, बचपन में तो रोज़ जाता था। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इसका उद्देश्य है वीडियो का कि आप जो हैं सभी बच्चे, ये मैं आपको बता दूं कि डिजी लॉकर पर थोड़ी हलचल दिखाई दे रही है। डिजी लॉकर पर कुछ चेंज हो रहे हैं बार बार, मैं रात से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कल मुझे ट्विटर पर बहुत सारे बच्चों ने भी कमेंट किया कि सर डिजी लॉकर देख लीजिए एक बार। रात 1:30 बजे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे ट्विटर पर, तो मैंने चेक किया तो रियली में ही डिजी लॉकर पर काफ़ी ज़्यादा जो है हलचलें हो रही हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि रिजल्ट आने वाला है, पर हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि भाई कुछ हो रहा है डिजी लॉकर पर। लास्ट ईयर भी जब कुछ हुआ था तो रिजल्ट आ गया था, बट आई एम नॉट सेइंग कि रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि जहाँ तक मेरा सोर्स है रिजल्ट को टाइम लगेगा अभी। बट ये भी बात सच है कि CBSE के ऊपर बहुत प्रेशर है रिजल्ट जल्दी देने का, और CBSE कोशिश करेगी पूरी रिजल्ट जल्दी देने की, बिकॉज सारे जो यूनिवर्सिटी हैं कॉलेज हैं उनका भी प्रेशर है। CBSE को लेटर लिख रहे हैं, मेल कर रहे हैं, रिजल्ट दो। तो CBSE वैसे तो काफ़ी प्रोफेशनल बोर्ड है, बट चूंकि स्कूलों ने डेटा CBSE को लेट भेजा है तो CBSE का रिजल्ट लेट हो गया इस बार। पहले ही बात कही गई थी कि आसाम में बाढ़ आने की वजह से वहाँ के स्कूल डेटा नहीं भेज पाए हैं, लेकिन वो बात भी बोर्ड ने मना कर दी। मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर जो कि वो मीडिया रिपोर्ट थी, तो मैंने आपको बताया था। बोर्ड ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम काम कर रहे हैं, बाढ़ का कोई फंडा नहीं है इसमें। चूँकि बाढ़ की बात आने से बोर्ड पर सवाल लगते कि भाई हमारे देश में आज भी ऐसा कुछ है, जबकि इस टाइम CBSE बहुत फास्ट तरीके से काम कर रहा है। फिलहाल सभी बच्चे एक बार कमेंट में लिख देना जाल वाले बाबा की जय। ये हमारे गांव के ग्राम देवता हैं और ऐसी मान्यता है कि उनकी सच्चे मन से, जो भी ग्राम देवता क्या होते हैं, जैसे जो गांव को बसाते हैं हमारे पूर्वज, उन्हीं का देवता। एक हिंदू धर्म में हर चीज़ की पूजा की जाती है, पीपल के पेड़ की, गाय की, हम हर चीज़ की पूजा करते हैं, हम हर चीज़ जो हमें कुछ देती है उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये हमारे ग्राम देवता हैं और मैं मानता हूँ कि मतलब श्रद्धा है मेरी, तो मैं वहीं जा रहा हूँ दिया जलाने, फिर मैं आऊँगा थोड़ी देर में। तो सभी बच्चे मैं आशीर्वाद देता हूँ आपको कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। रस्ते में वीडियो बनाऊँगा मैं, अगर कोई मुझे कोई न्यूज़ मिलता है या कोई इस तरह की व्लॉगिंग करूँगा मैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद।